हम अच्छे थे या बुरे, लेकिन हम एक समय थे। अब भला हम समय कैसे थे? तो हम समय ऐसे थे, क्योंकि पांचवी तक तख्ती लेकर हम स्कूल गए थे। शायद आप भी गए। पांचवी तक घर से तख्ती लेकर हम स्कूल गए थे। स्लेट को जीभ से चाटकर अक्षर मिटाने की हमारी हमेशा की आदत थी, लेकिन एक डर भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। आपको कभी डर लगा था? पढ़ाई का तनाव हमने हमेशा पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर दूर किया, मिटा दिया उस अपराध बोध को कि हम लोग कमजोर हैं और जीरो लाते हैं या सी सेक्शन में हैं। पढ़ाई का तनाव हमने हमेशा पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया। स्कूल में अगर टाट की पट्टी पर बैठने की हमें जगह नहीं मिली तो हम घर से यूरिया कट्टे के थैले बगल में दबा कर ले जाना हमारी दिनचर्या थी और हम अपनी शान समझते थे। पुस्तक के बीच विद्या पौधे की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, इसका हमें हमेशा दृढ़ विश्वास रहा। शायद आपको याद होगा मोर पंख का एक पत्ता होता है जिसकी शक्ल मोर पंख जैसी होती है, उसको और मोर पंख को रखने से हमें हमेशा लगता कि हम अव्वल आएंगे। कक्षा 6 में पहली दफा हमने अंग्रेजी का अल्फाबेट पढ़ा, कम से कम मैंने तो पढ़ा, और पहली बार ABCD देखी। हाँ, यह बात अलग है, बढ़िया स्मॉल लेटर्स बनाना हमें 12वीं तक भी ना आया और मुझे अभी तक नहीं आया। यूरिया कट्टे के थैले में किताब कापियां जमाने का ये भी एक अजब सा आर्ट था जो हम ही लोगों में था जिन्होंने उस कट्टे को थैला बनाया था, लेकिन शायद आपने नहीं बनाया था या बनाया था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताबों पर जिलत चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था, सालाना वार्षिक उत्सव। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कभी कोई फिक्र नहीं थी, बिल्कुल बिंदास थे। ना हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाने पर भी माता पिता के कदम हमारे स्कूल पर नहीं पड़ते थे। बिल्कुल सच, हमारा तो एडमिशन भी कभी माँ बाप ने नहीं करवाया, पास हो गए तो अगली कक्षा में नाम लिखा गया। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। लेकिन मुझे एक बात याद है जो यहां नहीं लिखी है कि आधे घंटे साइकिल पे किराए के लेने के लिए या एक घंटा साइकिल को किराए पे लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, तो 15-15-15 पैसे मिलाकर हम उस दुकानदार को देते थे जो 50 पैसे मांगता था, और हम कहते थे कि 5 पैसे अगली बार देंगे, और वो 5 पैसे हमने आज तक उसे कभी नहीं दिए और हम साइकिल सीख गए। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान ही नहीं करता था, क्योंकि हमारा कभी कोई ईगो था ही नहीं और हमें पता भी नहीं था कि ईगो होता क्या है।
पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य सी घटना थी, प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे और पीटने वाला इसलिए खुश कि हाथ साफ हो गया। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। और आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहां खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में जिए हैं और हम सच की दुनिया में हैं और हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारंभ झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें जिंदा रखे हुए है, वरना जो जीवन हम जी कर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी तो नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक समय थे। अब ये किसका लिखा हुआ है मैं नहीं जानता। जैसे मैंने दरवाजा पढ़ा था वैसे ये समय पढ़ रहा हूं। जिस भी शख्स का ये लिखा हुआ है उसे हमारा प्रणाम तहदिल से और शुक्रिया कि उसने हमें फ्लैशबैक में पहुंचाया। और जिसका ये है वो प्लीज, अगर हमारा ये वीडियो उस तक पहुंचता है तो बताए कि ये उसका है, ताकि हम कह सकें कि हमें इसका मालिक मिल गया और आपको शायद आपका बचपन। शुक्रिया।